सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग्स। ये देखो भाई, सुबह सुबह ना हमारी गैंग वाले भाई हमसे मिलने आए हैं। अपने डॉगी को भी साथ में लाए हैं। नाम क्या है इसका? एडी। ओ भाई ये कितना प्यारा है ना, मस्त है ना। कितना बड़ा है ये? 3 महीने। 3 महीने का है। जो को मिलवाए इससे लड़ाई ना हो जाए बस इनके बीच में। सो गाइस रिया भाई जो को लेने जा रही है। जो को इससे मिलवाएंगे, देखते क्या रिएक्शन होगा। ये लड़ाई करता है, देखो भी काटा। सो गाइस देखो इसको भी काट रखा है। इसको जो ने काट लिया था, सुबह पंजा मार था। ओ जोजो भी आ गया। छोड़ियो मत, छोड़ियो मत जोजो। ये कौन आ गया घर में? वो भोक रहा है भाई, भोक रहा है। ओ, ओ, जोजो कौन है ये? कितना मचल रहा है, देखो देखो उसके लिए। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ छोड़ दिया। ओ भाई, ओ भाई, जोजो नहीं चिपट गया। फ्रेंडशिप करवा देते इनकी, वो फ्रेंडशिप होगी। ओ भाई खोल दे इसको, खोल दे। ओ ओ वो क्या हो गया? वो भाग रहा है। तो लड़ाई क्यों कर रहा है भाई? लड़ाई लड़ाई माफ करो, कुत्ते साफ करो। ओ भाई, ओ भाई, ओ ओ एडू डर क्यों रहा है एडी? ओ ये जोजो भाई छेड़ बहुत कर रहा है इसके साथ। जोजो नो 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 जोजो नो। अरे यार जोजो मेहमान है, जोजो जोजो मेहमान है वो। एडी क्यों भौंकता है? एडी डर रहा है ना भी। नहीं भौंकते नहीं जोजो। ओ भाई ओ भाई, ये ड्यूक पे इतना भोगता है, ड्रैगन पे इतना भोगता है, डरता ही नहीं है किसी से भी। इसको उठा ले, तो भोग रहा है यार। एडी बहुत प्यारा है। ओ ओ ओ ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, बाय। So guys, मैं तो भाई नहा धोके रेडी हो गया हूँ। और guys, अभी मैं अपने रूम में खड़ा हूँ जो बनने लग रहा है। कितना मस्त लग रहा है। ये टीवी पैनल बनवाया है, बड़ा सा टीवी लगाऊंगा यहाँ पे। मस्त गेमिंग करेंगे भाई इसमें भी। बाहर ही बैठे हो जोजो? अंदर आ जाओ। क्या हो गया? तो भाई जब से एडी गया है ना, तब से भाई जोजो का मन नहीं लग रहा। लड़ाई करने के थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ खेल रहे थे, मस्त मन लग गया था भाई दोनों का। क्या हो गया जोजो, मन नहीं लग रहा? उसको दोबारा बुलाएंगे तब खेलो, ठीक है? तो भाई फिलहाल मेरा खाना भी आ चुका है। आज खाने में भाई बैंगन का भरता, दही, रोटी और थोड़ी सी नमकीन भी है। तो भाई अभी मैं खा रहा हूँ खाना। खाना खा के चलते हैं भाई सीधा चाचा के घर पे। तो चलो गाइस चलते हैं। हेलो, नहा रहे हो? हाँ। ये देख क्या हो गया, कुर्सी गिरा ली अपने ऊपर। इसके पीछे लटक रही थी और कुर्सी गिर गई इसके ऊपर। नहीं नहीं मत गिराइयो। कहाँ लगी, कहाँ लगी? गाइस ये देखो भाई कहाँ पे लगी। ओ भाई पूरा घुस गया था, जोर की लग गई भाई इसके तो। चिकी के मार रहा था, खुद के लग गई। बाय भैया। बाय। आज बहुत दिनों बाद ट्यूशन जा रहा है। तो गाइस आज भाई 2 जुलाई छुट्टियों के बाद आज चिनू बहुत दिनों बाद ट्यूशन जा रहा है। जल्दी आ जाइयो, जल्दी आ जाओ नहीं तो बरेली निकल जाएंगे हम। सो गाइस चीनू तो गया भाई ट्यूशन। हमारे दिमाग में एक प्लान आया है, 500-500 रुपए की गड्डी ना मतलब कहीं रख देंगे झाड़ियों में, और मैं ना भाई चीनू को घुमाने लेके जाऊंगा जब चीनू ट्यूशन से आएगा। और ये देखेंगे भाई चीनू को अगर पैसे पाते हैं ना वो करेगा क्या, सारी चीज पूछ के देखूंगा भाई पैसे किसको देगा। चाचा को देगा, मम्मी को देगा, मेरे को देगा, किसको देगा, या फिर कुछ उसका लाएगा। अगर तेरे को पैसे मिल जाएंगे तो तू क्या करेगी? चीज लाएगी। अगर तेरे को बहुत सारे पैसे मिल जाए तो तू क्या करेगी? और गाइस कल फाइनली हमारा प्लान बन रहा है भाई बरेली जाने का। ड्यूक को लेके भाई बरेली जाएंगे। ड्यूक को ना भाई मानस और अंकल से मिलवा के लाएंगे, बरेली भी घूमेंगे भाई। वहाँ पे गाइस हॉन्टेड चर्च भी है, वहाँ भी जाएंगे। अभी फाइनली हम जा रहे हैं भाई पैसों को छुपाने। कितने रुपए छुपा के आए बता? 500 छुपाए या 1000 छुपाए? 50,000। 50,000 क्यों? पड़े हैं मतलब गिरे हुए हैं? अच्छा बैंक में जमा करवाने जा रहा था। 50,000 ज्यादा नहीं हो जाएंगे? लिया है पैसे। 50,000 रुपए छुपाएंगे आज। इस तरह मैं छुपा दूंगा तो ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो दूसरा ही ले जा, हमारी गला प्रैंक हो जाए। सो गाइस यहाँ पे पैसे डाल देते हैं। चाची छुपा दिए। सो गाइस चीनू आ गया भाई फाइनली। और तेरे से कुछ जरूरी बात करनी थी मेरे को। जा बैग रखिया। ये कांटे ना पैर में भी चुभ सकते हैं, पता तेरे को? कहाँ पे आया? चुभ रहा है, निकाल दिया। किसी को चुभ भी सकते हैं कांटे। आज कांटों में ना गिर जा और तेरा छेद हो जाएंगे पिछवाड़े में। सही, स्कूल की छुट्टी भी हो जाएगी। रो के दिखाई जा चुके हैं, मस्त प्लान है ना, तेरी छुट्टी भी हो जाएगी। अंडा क्या काटे चुप गए? कैसे क्या पोपट आदमी, इसको पैसे नहीं दिख रहे यार। जिसको पैसे नहीं दिख रहे, क्या पोपट आदमी है ये? ओ भाई तू कहां से लाया, कहां से लाया? सच्ची बताइए कहां से लाया? सच्ची बता चाचा, कितने दिन उठा लाया तू? इतनी देर से हम घूम ही ना रहे हैं। कितने कितने गिनियो तेरे को मिले हैं? किसको देने चाहिए बता? आपको। मेरे को देगा? मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। तेरे को जरूरत नहीं है पैसों की? मेरे को दे देगा। पैसा ही पैसा। 50,000 से ऊपर लग रहे हैं। जिंदगी का मकसद क्या है? पैसा। सूंघने से पता चल जाता है। और क्या, सूंघ के देखो। दे 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 दे। चाचा को बताएगा?
चाची को नहीं बतानी चाचा वापस रखवा देंगे पैसे। गाइस चीनू कह रहा है कि भाई चाचा ना वापस पैसे रखवा देंगे, इसलिए ना बताना नहीं है किसी को भी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे ऐसे मत रख। पूरी भी नहीं करने है, अभी छोटा सा डर है तो 1 लाख तो होएगी। 1 लाख रुपए? देख वैसे ना पैसे तेरे को मिले हैं, ठीक है, तेरे बनते हैं, क्योंकि जिसको पहले मिलते हैं ना उसके पैसे बनते हैं, ठीक है। तू मेरे को देगा किसको देगा ये बता, मेरे को देगा? क्या कर रहा है? सो गाइस ये देखो भाई कैलकुलेट कर रहा है पैसों को, पूरा हिसाब जोड़ेगा आज ये। 68,000 ये तूने कैसे हिसाब लगाया भाई? 60,000 की इलेक्ट्रिक स्कूटी है। 60,000 की इलेक्ट्रिक स्कूटी है, 1 लाख से ऊपर के पैसे। बस मुझे वो स्कूटी चाहिए, बस स्कूटी चाहिए तेरे को वाली। 60,000 वाली स्कूटी चला लेगा तू? सो गाइस चीनू कह रहे भैया आप पैसे रख लो सारे, बस तो गाइस मैं कह रहा हूँ भैया सारे पैसे रख ले, बस मेरे को ना एक स्कूटी दिला दो 60,000 वाली। गाइस ये देखो भाई चीनू मना रहे चाची को बरेली जाने के लिए, चाची मना कर रही है। एक पैर दबा रहे देख चाची के, भाई मेरी तरफ तो आ पापा। वहाँ पर दी चाची आपने? तरिया से पढ़ लेगा वहाँ पर, पूरा कर लो चल। ये देखो भाई फाइनली चीनू का डन हो गया भाई बरेली का। फाइनली भाई चीनू भी बरेली जाएगा। चीनू थैंक यू सो मच यार, तूने आज पैसे ढूंढ दिए मेरे भाई के लिए। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई कहीं घूमने, रिया कह रही थी भैया सुबह से कहीं घूमने चलो। सो गाइस अभी 7:56 हो गए हैं और हम ना भाई सुखदेव ढाबा पे आए हैं। सबसे पहले चलेंगे भाई टर्किश आइसक्रीम पे, चिकी को देखेंगे चिकी आइसक्रीम पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाएगी। अरे सो गई है तो खड़ी हो जा चिकी, पकड़ लेगा चीनू तू, डंडी नहीं पकड़नी ठीक है। हाँ भाई, ओ भाई वो खराब होगी इसकी एक और। ओ भाई यार ये क्या हो गया? चिक्की दे नहीं रहा, ले ले। सो गाइस अभी खाना खाने आए थे और ये हमारे भाई मिले, हमारे गैंग वाले हमारे साथ में खाना खा रहे हैं। आज खाने भाई मशरूम चाप की सब्जी चफनान और गाइस साथ में भाई रसमलाई लेके आए हैं भाई। थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी हम खा रहे हैं खाना। सो गाइस एक चीज और पता चली है, जो वो कमेंट थी ना चीनू जब बोलता है मजा आएगा तो उसकी टट्टी निकल जाती है, इस भाई ने करी थी। चीनू इसकी सच में निकलती है? 12 लच्छा में भी निकल गई थी। आईपैड किसको मिलना चाहिए था? रिया को। ओ भाई चीनू के फिर से पढ़ाई छूट जाएगी। अच्छा पढ़ाई छूट जाएगी चीनू की इसलिए? भाई रिया तो मस्त बैठे आराम से, रैंदे निकल जाएगी पीछे से, रैंदे निकल जाएगी पीछे से, पेंट में निकल जाएगी रैंदे। बाय भैया। बाय। ये देखो भाई सो गया, ये भी चिकी भी सो गई है, चीनू भी सो गया है। चीनू खड़ा हो जा। सो गाइस ये देखो भाई आते कपड़े निकाल दिए इसने, मस्त आराम से सो रहा है। ओ ज्यादा ही नींद आ रही है तेरे को है ना? लेके आया हूं मैं पैसे, तू छुपा के रख ले अपने बैग बैग में। कहां पे रखेगा? क्या कर रहा है? जल्दी रख जल्दी रख जल्दी रख। ओ भाई आज तो चीनू लॉटरी लग गई है, 50,000 रुपए मिले चीनू को। सुन जाएगी चाचा को? सुन गई मैं सारे सारे सुन गई। पैसे कहां से ले आ तू? कौन से पैसे? जो बोलने वाले आंटी है। कितने पैसे मिले इसने? हाँ पैसे मिले थे इसको। कहाँ? मेरे बैग में। पूछता किसके किसके ना, क्यों नहीं बताई? तेरे दिमाग में क्या चल रहा था? बताई क्यों नहीं? अभी तक नहीं बताई, मैंने सुन ली तब मैंने पूछ ली, क्यों नहीं बताई? बता इतनी बड़ी बात छुपाता है? क्या छुपा लिया? अब मेरे से बताने चाहिए ना दिन में, ये कहना चाहिए पापा जी मेरे को ये पैसे मिले हैं। वे पैसे हमने रखे थे, चाचा ने छुपाए थे वो पैसे। तेरे को देखने के लिए, तेरा माइंड में क्या चलेगा, पैसे का क्या करेगा? आपने कब रखे? इसने मेरे से बोला था आप रख लो स्कूटी दिला देना 60,000 वाली। तेरे स्कूटी में पैर पहुंच जाएंगे तो चलाएगा। पहली बात तो मजाक खत्म हो गया। अरे इसको इतना मन डराओ ठीक है, बच्चा है वो तो मैं इसके साथ था, अगर ये अकेला होता तब पता चलता ना इसमें। भैया तो इसने भैया को भी तो बताया, ये गलत बात है। सच में पैसे मिले होते ना तो मैं वापस करवा देता, बस मैं इसको चेक करना चाह रहा था। आगे से मेरे को ये बोलता है कि भैया जिसके वापस कर देते हैं, मतलब ये सब बोलता ही नहीं बोलता, इसको ना सिखाएंगे। बाकी अभी तो छोटा सा है चाचा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक जाएगा ये धीरे धीरे। प्रैंक करके भी क्यों इसको डांट रहे हो? ऐसी हरकत कर रहे जैसे रियल में है। प्रैंक करके मत डांटो चाचा इसको, मैं भी इसके साथ में ही था। लालच बुरी
बोला जिसके पैसे गिरे उसको वापस दे देने चाहिए। आपने भाई आधे घंटे तक खड़े रहे, इसने हर जगह नजर मार ली थी, पैसों पे नजर नहीं गई इसकी, सामने पैसे पड़े हैं और यहाँ चीजें देख रहा है, यहाँ पैसे नहीं दिख रहे। अगर गाइस सच में मिले होते ना मतलब तो वापस ही कर देते। स्कूटी तो वैसे भी नहीं मिलनी थी तेरे को। वो पैसे पता है किसके थे? आशु के थे, जो हमारे डॉग संभालता है। लो चाचा कल बैंक में डाल जाएगा वो। चाचा पूरा मान गया। चल ठीक है भाई, चीनू ये जो जो आएगा सबसे पहले। So guys, मैं आ चुका हूँ घर पे और गाइस खाना तो हमने बाहर से खा लिया था इसलिए मैं आते ही एडिटिंग पे लग गया। भाई कल हम जा रहे हैं भाई बरेली ड्यूक को लेके, अंकल से मिलवा के लाएंगे क्योंकि भाई जब से हम ड्यूक को लेके आए हैं ना तब से बरेली नहीं गए हैं। और गाइस आज हमने प्रैंक किया भाई चीनू के साथ, तो गाइस हमने भाई ये देख रहे थे चीनू को अगर पैसे मिलते हैं चीनू उन पैसों का क्या करता है। आज गाइस पता चल गया चीनू को जैसे पैसे मिले ना चीनू बोला कि भैया आप रख लो मेरे को ना 60,000 वाली स्कूटी ला देना। उसने भाई एक बार भी ये नहीं कही कि भाई जिसके पैसे है ना उसको वापस कर देते हैं। गाइस मैंने इसलिए नहीं बोला कि भाई मेरे को प्रैंक करना था, रात तक देख रहा था मैं उसको रात तक क्या बोलेगा। अगर चीनू को अकेले को पैसे मिले होते तब वो कोई ऐसी चीज सोचता ना तब दिक्कत होती, साथ में मैं भी था मेरे को भी बोलनी चाहिए थी चीनू को भाई ऐसे मत कर, पर प्रैंक की वजह से मैंने बोला नहीं ना तो चीनू को थोड़ा और मोटिवेशन मिल गया उस चीज का, चीनू बोल नहीं पाया। पर भाई आज मैंने चीनू को अच्छे से समझा दिया है ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी के पैसे मिले तो उसको वापस कर देने चाहिए। अभी 1:04 हो गई है, 1 बजे से ऊपर टाइम हो गया है और भाई वीडियो को मैं अभी एंड कर रहा हूँ, 1 बजे से एडिटिंग स्टार्ट करूंगा, देख लो भाई कब जाके खत्म होगी। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई का चैनल है। So thank you so much. Bye and take care.